एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़िया साबित हो रहा है। डॉग लॉर्ड वो लगातार यहाँ पे हील अप करना चाहते हैं, बट अब वो फर्स्ट हिट्स खत्म हो चुके, ही इज रनिंग फॉर हिज लाइफ। लेट्स सी एंटर कर पाएंगे, एंटर जरूर कर जाएंगे, बट अगर एक भी बुलेट की कनेक्शन आती है तो दिक्कतें उनके लिए और ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन लीजिए दिक्कतें और बढ़ गई, सर्कल वापस शुरू हो चुका है। देखिए मैं तो बहुत खुश हूं कि कोई भी हिल बैटल नहीं कर रहा। अगर आप डार्क लॉर्ड को देखें उनके पास भी फर्स्ट हिट्स नहीं है, वेक्सी को देखें उनके पास भी फर्स्ट हिट्स नहीं है, तो अब तो जोन के अंदर रेंग देख के दोनों को जाना पड़ेगा, दोनों एसपी गवाते हुए। और टीम सोल अगर किसी को स्पॉट कर सकती है तो उनको काफी ज्यादा वैल्यू यहां पर मिल जरूर सकती है। बट स्कारलेट कैमिंग के वेक्सी आगे जाते हुए ग्लोबलिस्ट फोर्स उनको स्पॉट जरूर करेंगे, और फिनिश कौन करेगा? ग्लोबलिस्ट फोर्स नहीं करेगी, इट इज टीम सोल जो वहां पे वो फिनिश निकालते नजर आएगी। बट अब बची है दो टीमें, इट्स अ 4v3 बैटल जहां पे ग्लोबलिस्ट फोर्स बिटते नजर आएंगी टीम सोल से। गोब्लिन फिर से थोड़ा सा ओवर कमिट करते हुए थोड़ा सा आगे जाते हुए, लेकिन उनको स्पॉट नहीं करा जाएगा। नाउ इट्स अ 3v3, ओमेगा को डाउन कर दिया जाता है। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के एजे क्या हायर ग्राउंड एडवांटेज से स्पॉट कर पाएंगे? बट गोब्लिन वो रिस्की नेट था जरूर, लेकिन ढूंढेगा नॉक एक शानदार तरीके से नकुल के ऊपर। अब मौका बनेगा आगे जाने का अक्षत अपनी यूएमपी के साथ आगे जाने की कोशिश, रीलोड यहां पे करेंगे 35 बुलेट के साथ आगे जाना चाहेंगे। बट गोब्लिन फिर से एक एक्यूरेट नेट के साथ नॉक करेंगे एक और प्लेयर को, बट एजे जो आखिरी प्लेयर थे उनको भी फिनिश करा जाएगा। एंड एक शानदार विनर।